दिल्ली में फिर हुई दनादन फायरिंग, कार शोरूम पर चली 20 राउंड गोली, मांगी गई 5 करोड़ रुपए की रंगदारी। कार स्ट्रीट नाम के शोरूम पर शुक्रवार शाम करीब 7 बजे दनादन फायरिंग की गई। इसके बाद बदमाश एक पर्ची फेंककर फरार हो गए। हालांकि गोलीबारी में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया कि दिल्ली में बदमाश किस हद तक बेखौफ हो चुके हैं। मामला दिल्ली के नारायण रोड पर स्थित कार स्ट्रीट नाम के शोरूम का है। गोलीबारी की सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इस मामले में बड़ी रकम की रंगदारी भी मांगी गई है। कितने की रकम मांगी गई है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि रकम 5 करोड़ है। जहां बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, उससे कुछ दूरी पर नारायण थाना भी है, लेकिन फायरिंग करने वाले बदमाशों को जैसे पुलिस का कोई खौफ नहीं था। गोलियां चलने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस के अलावा ऑपरेशन सेल और क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंच गई है। माना जा रहा है कि बदमाशों ने फायरिंग की इस वारदात को दहशत फैलाने के मकसद से अंजाम दिया, ताकि डरकर शोरूम मालिक बदमाशों को डिमांड की गई रंगदारी का पैसा पहुंचा दे।